नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्रिएटिव फार्मिंग चैनल पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो पे देख पा रहे हैं, चारा काटने की मशीन के जो चक्रियां लगी रहती हैं वो सही से काम नहीं कर रही। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर वाली चल रही है पर नीचे वाली नहीं काम कर रही, तो इसको आप घर पर कैसे रिपेयर करेंगे, चलिए आज इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो खेती किसानी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले दोस्तों आपको इसके जो कवर रहते हैं उसके नट खोलना है, आपको दोनों साइड के ऊपर का भी खोलना पड़ेगा, इसके नीचे भी कवर है उसको भी दोनों को खोलना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें इस तरह आपको खोल लेना है। दोनों नट खोलने के बाद इसको ऊपर से अपन हटा लेंगे। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये तो अपना ऊपर वाला कवर खुल गया, इसके नीचे वाला भी कवर खोलना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो चक्री लगी है वो चक्री टूट गई है, जिस कारण से अंदर वाली जो चक्रियां जिससे चारा अंदर जाता है वो नहीं काम कर रही, तो आपको इस पे इसको रिपेयर करना पड़ेगा। और ऊपर वाली का भी दो तीन दांते टूटे हुए हैं तो उसको भी रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप दोनों साइड का नीचे वाला नट खोल लीजिए तो नीचे वाला भी कवर निकल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला नट खुल चुका है, और इसको खोलने के बाद जैसे भी नीचे वाला कवर खुलेगा, इसको जैसे देख रहे हैं नट निकल चुका है, और ये देखिए यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा। एक नट लगा हुआ है यहाँ पास भी। कवर को हटाने के लिए जितने भी नट लगे हुए हैं आपको अच्छे से खोल लेना है, और कुछ इस प्रकार से इसको हटा लेना है कवर को, क्योंकि कवर हटाने के बाद ही आपकी जो चक्री लगी हुई है उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। बिना कवर हटाए इसको खोलते नहीं बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ दोनों ऊपर का भी कवर हट चुका है, नीचे का भी कवर हट चुका है, तो आप इसको नट खोल के जैसे कि आप देख रहे हैं आधे से ज़्यादा चक्री इसकी टूट चुकी है, इस कारण से ये नहीं चल रहा था। इसकी जगह में दूसरी चक्री को लगाना है और फिर से उसी तरह से इसको फिट कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह की चक्री है, और दोनों को चेंज करना है, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, जिससे दोनों सही चलें। ऊपर वाले क्या भाई दो तीन दांते टूटे हुए हैं, और इस नीचे वाले देख रहे हैं पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो आपको जैसे देख रहे हैं दोनों एक सेम ही साइज की है, तो आप इसको उस पर लगा देना है, और उसके बाद फिर से उसी प्रकार जैसे आपने इसको खोला है इसको नट लगा देना है, इसके बाद नीचे वाला कवर फिर ऊपर वाला कवर, सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगी दोनों को सेट करने का। जैसे कि अभी देख रहे हैं वहाँ पास कुछ अंदर अभी जगह कम है, इसको थोड़ा रेती से घिसना पड़ेगा जिससे कि चौकोर हो जाए, और चौकोर होने के कारण अंदर तक फिट हो जाए। अभी बराबर ये नहीं फिट हो रही, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको थोड़ी घिसना पड़ेगा अंदर। कुछ इस प्रकार से आपको किसी भी सहायता से आपको अंदर जो उसको गोल गोलाकार है उसको चौकोर कर देना है। यदि आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपको इसको घिस देना है, और घिसने के बाद आपको कुछ इस प्रकार जैसे देख रहे हैं फिट हो गई, और फिट होने के बाद आपको इस पे जो नट लगा है उसको बराबर से अच्छे से टाइट कर देना है। और नट टाइट करने के बाद आपको जो ऊपर वाली चक्री है उसको खोलने के लिए ऊपर वाले साइड के जितने भी नट हैं उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के बाद ही ऊपर वाली भी चक्री खुलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर वाला भी नट सारे हट चुके हैं और चक्री निकालने का काम हो रहा है। ये देखिए इसकी चक्री भी निकल चुकी है। इसके भी सारे नट आपको अच्छे से निकाल लेना है, और जब पुनः आपसे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पास इसके भी दांते टूटे हुए, तो आप इसको भी उसकी जगह अच्छे से रिप्लेसमेंट कर देना है। घिसने के बाद इसको भी चौकोर बना लेना है अंदर जो इसके खांचे बने हुए, और उसके बाद आपको कुछ सिंपल तरीके जैसे आपने निकाला है सेम उसी प्रोसेस से आप इसको फिट करना है। और इस बात का ध्यान जरूर रखना है जो जहाँ नट है वहीं आपको लगाना है, और जैसे लगा था सेम उसी प्रकार आपको फिट कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों साइड का जो भी कवर निकाला गया था, नट निकाले गए थे, सारे फिट किए जा रहे हैं। आपको सभी नट अच्छे से सेट करना है, अच्छे से टाइट करना है, जिससे कोई भी नट ढीला ना रहे, क्योंकि ढीला रहेगा लूज रहेगा तो फिर से इसकी चक्री के जो दांते रहते हैं दांत इसके भी रहते हैं वो टूट सकते हैं। इसलिए आपको अच्छे से जैसे लगाया आपने जैसे देख रहे हैं सेम इसी प्रकार से आपको टाइट कर देना है, अच्छे से टाइट करना है। और जो जितने भी सारे बैस के क्लिप लगे थे नट लगे थे वो सारे आपको सेम अच्छे से टाइट कर देना है, जैसे कि आप वीडियो पर देख पा रहे हैं। सभी नट टाइट करने के बाद सेम से इसके जो कवर हैं ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेट हो चुका है, दोनों चक्री नीचे वाली भी ऊपर वाली भी, और चालू करने में जैसे आप देख रहे हैं कि बराबर अब काम भी कर रही हैं, नीचे वाली भी चल रही है ऊपर वाली भी चल रही है, आप देख पा रहे हैं।
तो इस तरह से भी आप अपने घर पर जो अगर आपकी भी चक्री, क्योंकि चलते चलते इसके दांते टूट जाते हैं, चक्री के टूट जाती है तो ये काम करना बंद कर देती है। तो आप भी इस तरह से आप नट खोल के आप अपनी बैर इसका चेंज कर सकते हैं, चारा काटने की मशीन का। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।